भाई साहब 33 साल की नौकरी में जहां जहां मैं कोतवाल रहा हूं ना, न हिंदू का न मुसलमान का एक बूंद खून नीचे नहीं गिरा है, ना एक टायर जला है। ऐसे रिश्ते कायम करके रखा था। 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा, सारे मुल्क में आपको मालूम है क्या क्या हुआ, आप भी बहुत चीज के शिकार आके बहुत आपको भी सहना पड़ा। पूछो अभी जाके दावणगेरे में जो मुसलमान जिंदा है, किसी का बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि हम तैयारी में रहते थे और लोगों के साथ में हमेशा पहले ही से हादसा होने के पहले ही से ही कि अगर हादसा होगा तो क्या करना है। केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। आज हमारे स्टूडियो में हम आपको रूबरू करवाएंगे बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर भास्कर राव जी से, जो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी मैसूर को आने की वजह क्या थी। आएंगे सर, केवी न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सर सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं कि आपने जो है हमारी बात पर हमारे स्टूडियो में आप यहाँ पे आए। दूसरी खुशी की बात यह है कि आज आपसे बात करने का मन इसलिए हो रहा है कि आपने जो है आपके नाम से एक समाज सेवा खोल रखी है बेंगलुरु के अंदर, जहाँ पे जिस बोर्ड के अंदर किसी नेता हो या किसी पार्टी का हो उस कोई सिंबल नहीं है सिवाय कर्नाटका के। इससे हमें बहुत खुशी हुई। आप एक पॉलिटिकल थोड़े दिन भी पहले शुरू किया, आपको भी इतना जल्दी पता चल गया उसके। आप एक पॉलिटिकल लीडर होते हुए जो है आपने जो है पॉलिटिक्स को हटाकर एक सेवा करने की जो ठानी है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। सर आज जो है आपने मैसूर को आने की आपकी खास वजह क्या है सर? मैसूर से हम पुश्तैनियों से जुड़े हुए हैं जी। 300-400 साल की हमारी इतिहास है मैसूर से। यहाँ जो नंजनगूढ़ तालुक है, वहाँ खड़ले नाम का जगह है, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी घर हुआ करती थी। फिर वहाँ से हम लोग, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो मैसूर को आए। टीपू सुल्तान के इंतकाल के बाद उन्हें नौकरियाँ मिली यहाँ महल में, और महल के सामने ही हमारे पूर्वजों को ज़मीन भी दी गई। वो जो घड़ियार खंभा है ना, क्लॉक टावर के सामने एक कट्टे बने करके, मतलब लकड़ी का घर के नाम से हमारी फैमिली जाने जाती है। तो ये घर भी ऑलमोस्ट अभी 250-300 साल होने को आ गई है। तो हम लोगों का जो शुरुआत जो हुआ है, कड़ले से होके हम मैसूर कट्टे बने आए, कट्टे बने से हम लोग बेंगलुरु को आए, बेंगलुरु से हम नौकरी की तलाश में अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, दुबई चले गए, और हम जैसे लोग बेंगलुरु में रह गए और हिंदुस्तान के अलग अलग जगह जाके वापस हम बेंगलुरु लौट के आए। तो मैसूर के साथ में खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है और भूला बिसरा रिश्ता भी आप कह सकते हो उसको। तो इस रिश्ते को कायम करने के लिए, इस रिश्ते को फिर से एक बार मजबूत करने के लिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का टिकट का हकदार का एक नुमाइंदा होने के नाते मैं यहाँ के प्रेसिडेंट से भी आके चिट्ठी भी दिया कि जब टिकट के लिए आप नुमाइंदे को की खोज करोगे तो आप मेरे बारे में भी सोचो और मैं क्या 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 हूँ क्या नहीं क्या हूँ उसके बारे में आप। इसलिए मैं आज ही नहीं, मैसूर का आना जाना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मेरा आपके साथ में आज पहली बार मुलाकात हो रहा है। आपके साथ ही नहीं, खास करके हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ भी पहली बार हो रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जैसा सेक्युलर आदमी जो है यहाँ से चुनाव में भाग लेने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसकी हम आपको बधाई देते हैं ताकि लोगों का जो है वो फ़ायदा हो। क्योंकि आपकी पिछली ज़िंदगी जो हमने मालूम की तो पता चला कि जो है आप जो है इंसानियत को जो है सबसे महत्व देते हैं, फिर उसके बाद धर्म और जो है कुर्सी वगैरह वो सब फिर बाद में आता है। ऐसा जो लीडर अगर हमारे पास है मैसूर के लिए, ये हमारी शान होगी और हमारी शुभकामनाएँ भी आपके साथ में है सर। सर
नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सेक्युलरिज्म वगैरह जो है नए लफ्ज हैं जी, जिनको बड़े बर्बादी से इसका इस्तेमाल किया जाता है और सियासी मामले में खास करके लोगों को गुमराह करने के लिए और बेवकूफ बनाने के लिए। मैं अपने जिंदगी का रास्ता बताता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, मतलब मैं 1970 की बात कहता हूँ, मेरे पिताजी के बड़े गहरे दोस्त थे, उनका नाम था कमर उमर। उसके बाद में कमर उमर के जो बच्चे थे, उनकी बेटियाँ, उनके बेटे, उनके साथ में हमारा उठना बैठना बहुत था, घर का रिश्ता था। उसके बाद में वो बिहार में थे, उसके बाद में वहाँ से वो नाइजीरिया को चले गए और वहाँ से पता नहीं कहाँ का चले गए, अब तो उनको हम खोज मिली। मतलब हमारी प्यार की बुनियादी और इंसानियत की बुनियादी उस समय की है। ये सेक्युलरिज्म के वास्ते या दिखावे के वास्ते हम कुछ नहीं उस तरह से। और जब मैं पटना में था, हमारा घर जो है खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी के पास में हुआ करता था, जहाँ की मुझे एक ब्राह्मण होते हुए हम घर में वेंकटेश सुप्रभात हो या हमारे जितने श्लोक हैं वो हमारी माँ हमको बताती थी, और भरे दिन सुबह दोपहर हम लोग खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी में जो पर्शियन स्कॉलर्स आते थे जाते थे, उनकी लेक्चर्स हम सुनते थे, उनके बयान सुनते थे। वो कभी भी ऐसे ये नहीं महसूस होता था कि हमारे कोई वो और हम करके या अलग जुबान बोलते थे, भेदभाव ही नहीं थे। ये सेकुलर वगैरह बोल के जो है ना, लोग एक दूसरे को मतलब धोखा दे रहे हैं, और कुछ नहीं। सर, आप कितने वर्ष जो है मैसूर के अंदर कमिश्नर होकर रहे थे? एक साल था। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं पिछले जो 33 साल मैंने जो नौकरी की, इतनी ऐसे ऐसी जगह मैंने नौकरी की जहाँ पर वो जगह हिंदू मुसलमान लड़ाई के लिए मशहूर हुआ करता था, जैसे भंडिया, दावणगेरे, शिमोगा, हुगली धारवाड़, कुर्ग। उसके बाद मैं मैसूर में पुलिस कमिश्नर था और बेंगलुरु सिटी में भी डीसीपी था, डीसीपी साउथ था। उसके बाद में बेलगाम में जाके मैं कमिश्नर भी बना, उसके बाद में सेंट्रल रेंज का आईजी भी था, और उसके बाद मैं आखिरकार नौकरी ख़त्म होते होते बेंगलुरु सिटी का पुलिस कमिश्नर भी था। भाई साहब, 33 साल की नौकरी में जहाँ जहाँ मैं कोतवाल रहा हूँ ना, न हिंदू का न मुसलमान का एक बूंद खून नीचे नहीं गिरा है, ना एक टायर जला है। ऐसे रिश्ते कायम करके रखा था। 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा, सारे मुल्क में आपको मालूम है क्या क्या हुआ, आप भी बहुत चीज के शिकार आके बहुत आपको भी सहना पड़ा। पूछो अभी जाके दावणगेरे में जो मुसलमान जिंदा है, किसी का बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि हम तैयारी में रहते थे और लोगों के साथ में हमेशा पहले से हादसा होने के पहले ही कि अगर हादसा होगा तो क्या करना है। इंक्लूडिंग मैसूर में, जब उस समय 2007 में जब मैं पुलिस कमिश्नर यहाँ पोस्ट हुआ था, तो कुछ बाहर के गुमराह लड़कों जो कुछ गलत इसके लपेट में आके वो उनको अरेस्ट करके ले गई थी, उनके बारे में बहुत कुछ लिखी गई, बताई गई और कहा गया कि मैसूर में आतंक फैलने वाला है वगैरह। उस समय भी मैं यहाँ कमिश्नर था, लेकिन किसी को कुछ भी होने से ऐसा प्रिवेंशन अभी बताऊंगा तो अभी मैं बता सकता हूँ। मैं उस समय केआर हॉस्पिटल में 50 बेड और 50 बोतल खून तैयार रखे, 10 एम्बुलेंस रखा था कि अगर कोई हादसा होगा तो तुरंत खोजने के बजाय प्रिकॉशंस तुरंत कैसे हो सके। जब कोविड का दौरान निजामुद्दीन मरकज से जो लोग यहाँ आए थे और फैली होगी बीमारी इधर उधर, लेकिन जो गलत फहमी और जलील करने के लिए आपके बिरादरी के बुजुर्गों के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा था, उस समय उनको कहा कि उसको अरेस्ट कर दो, उसको अंदर डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, मैंने येडियुरप्पा साहब को जाके बोला कि सर, ये जो हैं ये बहुत साल उर्दू पर्शियन वगैरह में ये लंबी तालीम लेके इधर आए हैं, इनके ऊपर अगर हमारी हुकूमत बेइज्जती से पेश आएगी तो बहुत से लोगों को इससे बहुत ठेस पहुंचेगा और आपके बारे में वो अच्छा इरादा नहीं रखेंगे
और आप हुकूमत में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब मौका देखे आप पर इसका बुरा असर होगा ही करके। ये येडियुरप्पा साहब को दाद देने की बात है कि वो बोले कि ऐसा करो, इन सबको यहाँ के जो बड़े अमीर शरीफ हैं उनसे बात करके हम उनको हज भवन भेज देते हैं जी, तो वहाँ अपने आराम से वो हज भवन वहीं रहे वो, और जो बाकी अखबार वाले फिरका परस्ती बातें करने वाले उनको बोले कि भाई इनसे उनको कोई ताल्लुकात नहीं है, और वाले की दुआ से हम पार हो गए। ना किसी को हम जलील किए, ना किसी की हम बेइज्जती किए, और उनका इज्जत हम बरकरार रखें। तो इससे मेरा पर्सनल रिलेशनशिप जो है मुसलमानों के साथ में पहले से ही अच्छा था और भी अच्छा हो गया। उसके बाद में तो जब गोली चली थी मैंगलोर में, उसके बाद जो कुद्दूस साहब दरगाह के पास में जो 3.5-4 लाख का जो मजमा इकट्ठा हुआ था, जिसमें एक पत्थर नहीं गिरा, बेंगलोर शहर के अलग अलग कोने से लोग आए, हजारों के तादाद में लोग आए, 4 लाख लोग आए, कम से कम 2.5 घंटे का बयान वगैरह चला उसके बाद जाने तक। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम ये सेकुलर नाम के लफ्ज से मैं काम नहीं करता हूँ, इंसानियत है, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, बस उसी। सर, आपके मैसूर के अंदर काम करने के वक्त का एक कोई हसीन और बेहतरीन लम्हा? हर रोज अच्छा दिन गुजर गया, किसी का खून नहीं गिरा, किसी का आंसू पहुंच सकते हैं, तो वही है। देखिए हमारा ऑफिस ऐसा है कि कोई खुशी से कोई नहीं आता है, जो आता है बहुत 100 बार सोच के आता है, वो शायद पुलिस स्टेशन चला जाए या सर्कल इंस्पेक्टर से मिलने या ACP से मिलने, जो कमिश्नर सर तक मिलने आता है वो बेचारा या बेचारी वो कितना सोची होगी कि मैं वहाँ जाने से कहीं मेरी बेइज्जती तो ना हो जाए, मेरा वक्त ना भागे बर्बाद हो जाए और मुझे मिलने से इनकार कर दे या मेरे साथ में अच्छे से पेश ना, कितना सोच होगा। लेकिन कम से कम जो आते हैं उनका हम काम नहीं भी किए तो उनके साथ में अच्छा सलूक तो कर सकते हैं, सही सलूक तो अच्छा कर सकते हैं उनके साथ में, और उनको ये बता सकते हैं कि भाई आप जिस प्रॉब्लम को लेके आए हैं मेरे पास उसका हल नहीं है, इसका हल वहाँ है या उधर है करके ये तो बता सकते हैं, करेक्ट या उधर फोन करके कह सकते हैं कि भाई फलाना इस प्रॉब्लम है करके उतना कर सकते हैं। बस किसी का आँख का आंसू पोंछ दिया ना, वही सबसे बड़ा। तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो इस नौकरी के दौरान न किसी की आंख का आंसू गिरा, न जिस्म का खून का खतरा गिरा। नहीं, खून के बारे में तो डेफिनेटली कह सकता हूँ। आंसू जो है मतलब बहुत लोगों की अलग अलग तमन्नाएं होती है, कभी कभी क्या कहते हैं उनके समझ के बाहर की तमन्नाएं होती है, तो ये बड़ी बात है जो उनके जिस्म का खून के खतरा जो है वो गिरने से जो है आपने लोगों को महफूज रखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इवन NRC के दौरान भी बेंगलोर में जी, सारे हिंदुस्तान में खून खराब हो, दिल्ली में 54 लोग मारे गए जी, हैदराबाद में दंगे हुए, नागपुर में दंगे हुए, बम्बई में दंगे हुए, पुणे में दंगे हुए, तमिलनाडु में हुआ, बेंगलोर में हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे 18,000 बच्चे रस्ते पर तैनात थे लोगों को विश्वास में रखते हुए। जी 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 सर, हमारे इस न्यूज़ चैनल के जरिए से आप मैसूर में आए हैं, मैसूर के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैसूर के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई मुझे भी एक मौका दीजिए, यहाँ पर कोडगु मैसूर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, मुझे भी अपना नुमाइंदा बनाइए, मुझे 33-34 साल का तजुर्बा है, मैं 2 जंग में भाग लिया हूँ, श्रीलंका का जो जंग था उसमें, उसके बाद में कोसोवो यूगोस्लाविया में भी, और सरकार में भी काम किया हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में भी काम किया हूँ, कॉरपोरेशन में काम किया हूँ, लंबी तजुर्बा है मेरी, इस तजुर्बे को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ ताकि और तरक्की हो। मैसूर में क्या है कि बहुत गरीबी है और लोगों की बहुत सी सारी ज़रूरत है, सारी जो प्लान है केवल कागज़ पर रखे, कागज़ का स्याही सूख जाता है लेकिन लोगों के तक कुछ नहीं पहुंच पाता है, और हम ऊंची ऊंची बातें करके कहते अपने आप को पीठ थपथपा देते हैं कि हमने बहुत कुछ, उस चीज़ को उन्हें जोड़ने के लिए जहां तक हो सके वहां तक आने के लिए, और ख़ास करके हिंदू और मुसलमानों
जोड़ना बहुत जरूरी है। ये दरारें हैं, ये दीवारें आने वाली कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है। आने का आप सारे दुनिया का माहौल ही देखिए, दुनिया के माहौल में कितना खून खराब है। दुनिया के माहौल को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम अपने मोहल्ले के तो माहौल को ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं, मैं जहाँ तक ठीक कर सकता हूँ मैं अपनी पूरी कोशिश से, क्योंकि मैं फालतू नारेबाजी नहीं कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, करके पीछे पहले जो किया है, पहले जो किया है आगे भी उसको जारी रखेंगे। आप एक दूसरे मंच पर अगर मौका मिले तो करूंगा, लेकिन पता नहीं पार्टी किसको टिकट देगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप अच्छा सर्वे कीजिए और आपको जो अच्छा लगे उसको कीजिए। और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो जो है सबको साथ लेने से ही बनता है। और हमारे जो RSS के प्रमुख हैं वो तो बोलते हैं हिंदू और मुसलमान का एक ही DNA है, खून निकाल के देखो। इस सबसे यही लगता है कि ऊपर के लेवल में ऐसी कोई नहीं है। जी, जी। जो भी है शायद वो नीचे पहुंचते पहुंचते है उसमें कुछ फर्क आ रहा है, लेकिन ऊपर का जो है वो नीचे तक लाना वो भी एक मेरा काम है, फर्ज बनेगा। तो हमारी आने वाले दिनों के लिए आपकी शुभकामनाएं। तो हमें आपका जो कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।